나오지 않는데 비벼 그러나 출동 비벼 반칸에 가 비벼 반 컨디션 अभी जा रहा हूँ कि हमारे गांव का एक फौजी जवान वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी मुकाबले दहशतगर्दी और पाक आर्मी के मुकाबले में जो शहीद होया उसका जनाजा आर्मी वाले भी आए हुए हैं। तो अभी जा कर आपको दिखाता हूँ। आओ जान दिया ठीक है फिर शहीद
इस्लामी देगा धोखा शायद इसलिए है। तो मैंने आपको जिस शहीद जवान का जनाजा दिखाया है, ये पाक आर्मी में सर्विस पे था, तकरीबन 2 से 2.5 साल की सर्विस, और पहली पोस्टिंग ही वज़ीरिस्तान हुई थी। और पुलिस और आर्मी और दहशतगर्दी मुकाबले में शहीद हुए हैं, एक आला मकाम हासिल किया है हमारे गांव का जवान। और आपने देखा कि आर्मी ने कैसे आके आज़ाज़ दिया, और बड़ी चीज़ होती है अपने मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना छोटी सी उम्र में। मेरी उम्र का था, 21 साल उम्र है, उसकी भी इतनी ही उम्र थी। क्या मकाम उसने, क्या दर्जा हासिल किया। मैंने जब उनका मुंह देखा था ना, वो इतना खूबसूरत और खून नहीं रुक रहा था। कहते हैं ना, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, वो बात सच है, ज़िंदा। बाकी आप लोग फातिहा पढ़िएगा, दुआ कर कीजिएगा, और सबको इतनी बड़ी कुर्बानी का अल्लाह में हौसला दें अपने मुल्क के लिए, दीन इस्लाम के लिए। ये लड़ाई तो सिर्फ़ दीन इस्लाम की ही है, क्योंकि पाकिस्तान है तो दीन इस्लाम है।